हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज अभी हम फ्लैट से आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं जिम। तो आपको आज हम जिम के बाद जाने वाले जो चिबोकसरी की फैकल्टीज है, मेडिकल फैकल्टीज। तो आपको आज मैं बाहर से दिखाने वाला हूँ वो बिल्डिंग की जगह, वो कहाँ है अभी। क्योंकि अभी अंदर से तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि अभी जो छुट्टियाँ चल रही उसकी वजह से वो अभी बंद हुए अंदर से। जब छुट्टियों के बाद जब कॉलेज खुलेंगी तब हम अंदर के क्लासेस वगैरह सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए आपको मिलता हूँ मैं बाद में। तो अब हम जिम से आ चुके और अब आपको दिखाता हूँ मैं चिबोकसरी की जो मेडिकल फैकल्टीज है। तो चलिए पहले हम डीन ऑफिस जाने वाले हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अभी डीन बिल्डिंग, जिसे हम इंडिया स्टूडेंट जी बिल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये रही हमारी डीन बिल्डिंग। फ्रेंड्स हम टीम बिल्डिंग में, जैसे कि जो वीज़ा का काम होता है, जो डॉक्यूमेंटेशन काम होता है, वो सब डीन बिल्डिंग में ही करना पड़ता है। और इसके डीन बिल्डिंग के ठीक पीछे और दो बिल्डिंग है, एक सी बिल्डिंग है जो आपको अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी डीन बिल्डिंग बंद है। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं ओ बिल्डिंग। तो ओ बिल्डिंग उसके ठीक रोड क्रॉस करके उसके बाजू में ही है एक बिल्डिंग छोड़ के। तो चलिए आपको वो बिल्डिंग दिखा दो। तो हम वो बिल्डिंग आ चुके हैं। तो वो बिल्डिंग में जैसे कि हिस्ट्री ऑफ रशिया, हिस्ट्री ऑफ क्रोएशिया, ऐसे ही क्लासेस लगते हैं। और फर्स्ट ईयर की बायो केमिस्ट्री भी इसमें ही लगती है। तो ये है हमारे। तो ओ बिल्डिंग के बाद हम आ चुके हैं ई बिल्डिंग के लिए ठीक आपको अमेजॉन पार्क के आगे उतरना पड़ता है। तो ई बिल्डिंग में हमारे इकोनॉमिक्स ही क्लास लगते हैं। तो ये रही ई बिल्डिंग। तो ओ बिल्डिंग के बाद हम आ चुके हैं एम बिल्डिंग, जो हमारी मेडिकल फैकल्टी की मेन बिल्डिंग है। तो एम बिल्डिंग में हमें बहुत सारे सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं। तो मेन बिल्डिंग तो एम बिल्डिंग है। तो एम बिल्डिंग के पीछे पी बिल्डिंग, जो हमारे एनाटॉमी की क्लासेस लगती है, और स्पोर्ट बिल्डिंग और एस बिल्डिंग, जहाँ हमारे लेक्चर्स वगैरह लगते हैं। तो ये है हमारी एम बिल्डिंग। तो गाइज हम एम बिल्डिंग के बाद आ चुके हैं आई बिल्डिंग, जो आई बिल्डिंग हमें लैंग्वेज कोर्स के लिए, वहाँ पे हमारी लैंग्वेज की क्लास लगती है, रशियन लैंग्वेज। तो आई बिल्डिंग के ठीक बाजू भी लाइब्रेरी बिल्डिंग है, जहाँ हमारे सब ईयर के बुक्स हमें दिए जाते हैं। तो ये रही हमारी आई बिल्डिंग। अभी अंधेरा हो चुका है इसलिए थोड़ी सी दिख नहीं रही है,
तभी भी आपको दिखाने का ये कर रहा हूँ। तो आई बिल्डिंग अभी तो दिखेगी नहीं क्योंकि अभी अंधेरा है, तो आपको मैं फ़ोटो डाल दूँगा। तो आज का ब्लॉग यही ख़त्म होता है, तब आपको मेडिकल फैकल्टी की बिल्डिंग सब दिखा दिए। तो अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आपको मिलता हूँ कल सुबह के न्यू ब्लॉग में। Okay, let's go.